प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट रखने की अनिवार्यता से दवा विक्रेताओं को जल्द मुक्ति मिल सकती है। इसका भरोसा सूबे के विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें दिया है। जिले के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने एसोसिएशन की मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है। शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ, जिसे पंडित आशीष शास्त्री ने संपन्न कराया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कोरोना काल की भयावहता याद दिलाते हुए उस दौरान दवा विक्रेताओं द्वारा दी गई सेवाओं को सराहा। सोबी टंडन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र वाजपेयी प्रेमू ने की, जबकि संचालन सहज गुप्ता ने किया। कक्षा 6 से इंटर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने वाले श्रीराम हरिनाम सिंह इंटर कॉलेज परोसा के प्रबंधक दीप नारायण सिंह ने कानून मंत्री को भगवान श्रीराम की मूर्ति भेंट की। इस मौके पर सुरेश गुप्ता, श्री प्रकाश सिंह, अतुल श्रीवास्तव, सुनील तिवारी, ममता मिश्रा, विनीत सिंह, उपेंद्र शुक्ला, हिमांशु पुरी व सुमित शुक्ला और अतिथि रूप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, राहुल जायसवाल, रमाकांत मिश्रा, ट्रक इंस्पेक्टर नवीन श्रीवास्तव, अमरेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, आशीष मिश्रा दीतू, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल डॉक्टर AK अग्रवाल, भगवती गुप्ता, ज्ञानवती दीक्षित, मोनू शुक्ला, अनुराग रोशन तथा सचिन गुप्ता आदि मौजूद थे। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि हमारे केमिस्ट ड्रगिस्ट भाइयों ने सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, मास्क उपलब्ध कराए और 24 घंटा सेवा करने का। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। सभी लोग अपने अपने रोजी रोटी के सिलसिले में कोई ना कोई कारोबार करते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने कोरोना महामारी में लोगों की मदद की है, सेवा की है, वास्तव में काबिले तारीफ। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही, आपने कभी मरीज को वापस नहीं लौटाया, उसको दवाई उपलब्ध कराई, भले उसके घर जाकर दवाई भेजा हुआ। कोरोना महामारी से उबरने के बाद भी अस्पताल से डॉक्टर के पास से पर्चा लेकर के जब मरीज का परिजन या मरीज आपके पास आता है, भले ही उसके पास पैसे न हो, लेकिन मैं ऐसे ऐसे दवा व्यवसायियों को जानता हूं, उसको दवाई भी उपलब्ध कराते हैं, उसको घर तक भेजने का भी काम करते हैं। स्टूडी IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।